फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है गया नरीना में मैं हूं निशांत गुप्ता और आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगलटन पैटर्न ठीक है आपने देखा भी होगा कि कई जगह पे आप क्लासेस अगर क्रिएट करते हैं तो ऐसे सिंगलटन करते हैं ताकि वो पूरी एप्लीकेशन में एक ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ठीक है जस्ट लाइक वेब सर्विसेज क्लासेज या आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आप यूज़ करते हैं ठीक है या एप्पल डेवलपर्स स्विफ्ट डेवलपर्स या एप्पल डेवलपर्स की बात करूँ तो उसमें वो आपका बहुत सारे ऐसे आपके ऑब्जेक्ट हैं जो इनिशलाइज सिंगलटन इनिशलाइजेशन उन्होंने कर रखा है जैसे आपका यू आई एप्लीकेशन आप कहीं भी पूरी एप्लीकेशन में कभी भी गेट करिए उसका आपको इंस्टेंस मिल जाएगा जो सिंगल आपका एक ही बार क्रिएट हो चुका है ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिंगल टन है क्या आपका सिंगल्टन इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इनिशिएटेड एग्जैक्टली वंस मीन्स ये हो गया कि जो आपका सिंगलटन है वो एक ऑब्जेक्ट है ठीक है जो केवल एक ही बार इनिशिएट होता है पूरी अपनी लाइफ साइकिल में ठीक है या ऐप की लाइफ साइकिल में ठीक है जब तक आपकी ऐप चल रही है तब तक वो इनिशिएट रहेगा केवल एक ही ऑब्जेक्ट कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसी को हम थोड़ा एग्जाम्पल में देखते हैं एग्जाम्पल करके एक ले लेते हैं दोस्तों अकाउंट मैनेजर ठीक है अकाउंट मैनेजर के पास क्या है यूज़र आईडी होगी ठीक है तो एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं यूज़र इन्फो के अंदर हम क्या लेंगे दोस्तों एक टप्पल दे देते हैं इसको ठीक है टप्पल में आपका आ जाएगा आईडी आईडी में मैं दे देता हूँ सी निशांत कॉमा पासवर्ड इसका रख देते हैं लेट्सी वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है ये मैंने पासवर्ड रख दिया दोस्तों और एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जो कि आपका होगा नेटवर्क ठीक है ये आपका पूरे एप्लीकेशन में जब आप नेटवर्क कुछ भी गेट करना होगा ए के थ्रू या कुछ भी आपको तो वो सारी आपकी ए या जो भी वर्क होगा इस फंक्शन मेथड के थ्रू यूज़ करेंगे दोस्तों ठीक है तो अब एक चीज़ हम करके देखते हैं क्या आपका अकाउंट मैनेजर इनिशिएट हो रहा है ठीक है एक चीज़ और अभी हो रहा है उसके लिए सिंगल टर्न बनाने के लिए हमें अपना जो इनिट मेथड है उसको दोस्तों प्राइवेट करना पड़ेगा अब देखिए अब क्या आपका ये हो रहा है नहीं अकाउंट मैनेशलाइजर इज एक्सेसिबल क्यों क्योंकि ये आपने प्राइवेट कर रखा है और ये इनिट मेथड आपका केवल इस ब्लॉक में ही कॉल हो सकता है ठीक है तो ये आपका ऐसे कॉल नहीं होगा इनिशिएट नहीं होगा ठीक है तो क्या करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे हम क्या बनाएंगे एक स्टैटिक लेंगे स्टैटिक दैट मीन्स एक बार आपका क्रिएट हो एक ही रहे ठीक है जो कि आपका शेयर्ड इंस्टेंस रहेगा ठीक है और दैट शेयर्ड इंस्टेंस इसलिए रख रहे हैं दोस्तों ताकि हम हर जगह शेयर कर सकें इसका इंस्टेंस और वो किसके एक होगा अकाउंट मैनेजर को, को इनिशिएट कर देंगे अब ये क्या हो गया ये आप क्या देख रहे हो कि आप क्लास के अंदर ही आपने उसको इनिशिएट कर दिया यस दोस्तों ये आपका शेयर इंस्टेंस है जो आपका पूरी एप्लीकेशन में आप कहीं पे भी कभी भी एक्सेस करेंगे तो आपको इसका ऑब्जेक्ट जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो वो आपको इसको रिटर्न करेगा ठीक है जो कि स्टैटिक टाइप का है और जो आपका क्या है दोस्तों इनिशिएट एक बार हो गया है ठीक है अब अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ सिंपल इसको एक्सेसिबल करने की ठीक है तो अकाउंट मैनेजर के अंदर अगर हम जाएंगे देखिए प्राइवेट आपका पब्लिक है तो हमको एक्सेस कर सकते हैं शेयर इंस्टेंस है लेकिन पब्लिक है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और डॉट जैसे लगाएंगे ये देखिए दोस्तों यूज़र इन्फो आपकी आ गई यूज़र इन्फो को एक्सेस एक्सेसमीस तो में आई आईडी अगर कर रहा हूँ और मैं यहाँ दोस्तों इसको प्रिंट कराता हूँ ठीक है तो यहाँ देखिएगा क्या आता है इसमें यहाँ एक बार अभी ये रन हो रहा है थोड़ा सा होने देते हैं एक बार ठीक है हाँ जी रन हो रहा है ये लेट्स सी हम कॉल कर रहे हैं दोस्तों किसी व्यू कंट्रोलर में व्यू कंट्रोलर वन में ये देखिए यहाँ पे निशांत मुझे मिल गया इस आईडी से ठीक है अब मान लीजिए मेरा दूसरा व्यू कंट्रोलर है व्यू कंट्रोलर टू ठीक है उसमें भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ लेकिन इसमें मैं क्या करूँगा इसमें एक्सेस कर नहीं करूँगा इसमें हम वैल्यू चेंज करेंगे ज्ञान अरीना ठीक है और इसको एक बार क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों ज्ञान एरीना आपका आ चुका है ठीक है अब दोस्तों अगर इसको आप किसी और थर्ड बीसी में आप देखेंगे और इसको गेट करके देखेंगे तो अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं हमने क्या कर ज्ञान अरीना कहने का मतलब हो गया ये आपका ये देखिए ये एक ही पेज पे नहीं हो रहा है ये कोई और व्यू कंट्रोलर में हो रहा है या दूसरे व्यू कंट्रोलर में हो रहा है या तीसरे में हो रहा है लेकिन एक्सेस आप एक ही चीज़ को कर रहे हैं एक ही शेयर इंस्टेंस को कर रहे हैं और यहाँ पे आपने वैल्यू चेंज करी तो थर्ड में भी चेंज हो गई और अब आप आगे कितनी बार भी कॉल कर लेंगे ये वैल्यू आपको चेंज मिलेगी ठीक है जैसा कि आपका यहाँ पर आपने क्या किया, शेर किया है शेयर इंस्टेंस किया एज अ स्टैटिक तो इसको दोस्तों हम कहते हैं सिंगल टन पैटर्न ठीक है जो कि आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं अपने ठीक है कि अगर आप वेब सर्विसेज़ को आप एक ही जगह लिखना चाहते हैं उसका इंस्टेंस एक ही क्रिएट करना चाहते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं लोम फायर की फाइल आपको फाइल बनाएंगे अलग तो उसमें यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी जगहें हैं ठीक है अगर एप्पल डेवलपर्स की बात करूँ तो यू एप्लीकेशन हो गया या यूज़र डिफ़ॉल्ट हो गया या एन नोटिफिकेशन हो गया तो ये सब क्या है इनके सिंगल टर्न क्लासेस हैं जो कि एप्पल डेवलपर्स यूज़ करते हैं और सिंगल हमें क्या देते हैं दोस्तों इंस्टेंस देते हैं जो कि स्टैटिक होता है तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगलटन पैटर्न क्या होता है ठीक है तो चलिए मिलते हैं चैप्टर टू के लास्ट वीडियो में नेक्स्ट में